तो रेसलिंग पीडीएफ फैमिली, हालांकि WWE ने मनी इन द बैंक 2023 के लिए अभी तक सिर्फ 4 मैचेस कंफर्म किए हैं, लेकिन आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद अब रिंग साइड न्यूज और बहुत सारी न्यूज वेबसाइट ने रोमन रेंस और सोलो सिकावा का मैच कंफर्म कर दिया है मनी इन द बैंक पेपरव्यू में, और रोमन ही मनी इन द बैंक पेपरव्यू के मेन इवेंट में भी रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मनी इन द बैंक के सारे मैचेस और रोमन रेंस के मैच के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो जैसा आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन क्राउन होने वाला था, तो उसके फाइनल मैच में सेथ रॉलिंग्स से फाइट किया था डीमन किंग फिन बैलर से, और उस टाइम डीमन WWE के मेन रोस्टर में अनडिफीटेड थे, और उसी अनडिफीटेड डीमन किंग ने सेथ को हराकर फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल टाइटल जीत लिया था। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जीत गए, और जब वर्ल्ड हेवीवेट का सेमीफाइनल मैच हुआ था तो उस मैच में भी सेथ ने फिन बैलर को हरा दिया था, पर सेथ ने अभी तक डीमन किंग को नहीं हराया है, और WWE इसीलिए मनी इन द बैंक 2023 में फिन बैलर का मैच कर रहे हैं सेथ के साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और इसलिए इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेथ को फेस करने फिन बैलर नहीं बल्कि उनके दूसरे कैरेक्टर डीमन किंग आए। भले इस मैच में जजमेंट डे भी इन्वॉल्व हो जाए, इस मैच में सेथ जीतकर उनकी चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। वैसे सेथ और डीमन किंग के मैच में आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट करके सबसे शेयर करें। तो इस साल मेंस मनी इन द बैंक मैच में दो सुपरस्टार्स अभी अनाउंस हो गए हैं, वो है सैंटोस एस्कोबार, एलए नाइट, रिकोशे, शिंसुके नाकामुरा, बुच और डेमियन प्रीस्ट। और मुझे लग रहा है कि इस साल मेंस मनी इन द बैंक मैच जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस एलए नाइट या फिर डेमियन प्रीस्ट के हैं। तो मनी इन द बैंक 2023 का ये जो नेक्स्ट मैच है, ये अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा खास मैच है, क्योंकि कॉडी रोड्स जब से रिटर्न आए उनका सिर्फ WWE में एक ही सपना है कि वो अपने पापा डस्टी रोड्स के लिए कम से कम एक बार वर्ल्ड चैंपियन बने, और इसलिए कॉडी रोड्स ने रिटर्न आने के बाद से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन मनी इन द बैंक 2023 में कॉडी रोड्स की ये जो अपोनेंट है डोमिनिक मिस्टेरियो, ये कॉडी के ठीक उल्टा जा रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ कॉडी रोड्स अपने पापा के लिए टाइटल जीतना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ डोमिनिक अपने पापा रे मिस्टेरियो के खिलाफ चला गया है, और डोमिनिक को जब मौका मिलता है वो रे और अपनी फैमिली की इंसल्ट करता है। तो जब कॉडी रोड्स का मैच होगा डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ, तो इस मैच में तो सब लोग जान ही रहे हैं कि कॉडी रोड्स ही जीतेंगे, या फिर शायद डोमिनिक मिस्टेरियो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। पर इस मैच में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आकर कॉडी रोड्स पे अटैक कर सकते हैं, ताकि ब्रॉक और कॉडी का तीसरी बार मैच फिक्स हो सके समरस्लैम 2023 में। तो इस साल वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच के लिए जो फीमेल सुपरस्टार्स कंफर्म हो गई हैं, वो हैं इयो स्काई, ज़ेलिना वेगा, बेकी लिंच, ज़ोई स्टार्क और बेली। और मुझे लगता है कि इन अनाउंस सुपरस्टार्स में से बेली के ज्यादा चांसेस हैं कि वो इस साल वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच जीत सकें। तो WWE ने अभी तक बस ये 4 मैचेस कंफर्म किए हैं, लेकिन जैसा आपने आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा होगा कि जे उसो ने फाइनली फैसला कर लिया है कि वो किसका साथ देंगे, और जे ने उनके जुड़वा भाई जिमी उसो का साथ देते हुए रोमन को सुपर किक मार दिया है। और भले ही अभी तक WWE ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट वीक तक या फिर अभी आने वाले दिनों में रोमन रेंस और सोलो सिकावा का मैच WWE मनी इन द बैंक 2023 में फिक्स कर देंगे द उसोस की टीम के साथ। और रिंग साइड न्यूज ने ऐसा बताया है कि यही नॉन टाइटल टैग टीम मैच मनी इन द बैंक 2023 का मेन इवेंट रहेगा। तो जब इन चारों भाइयों का मैच होगा तो आप लोग किसके लिए चीयर करोगे, कमेंट करके सबसे शेयर करें। और मनी इन द बैंक 2023 इंडिया में संडे 2 जुलाई सुबह को देगा, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।